तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है आरा का और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो। भक्त न रही है उसको कुछ पता बिहार की छवि खराब होती है। देख कोई बिहार की छवि खराब नहीं होती, लोगों को अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। बिहार में नेता इन दिनों भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं। कभी लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के बिहार प्रभारी को भक्चोनर बुला देते हैं। भक्चोनर है उसको कुछ पता भक्चोनर है उसको कुछ पता भक्चोनर है। तो कभी डिप्टी सीएम रेणु देवी सरेराज छात्र नेता को गाली दे देती हैं। तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है आरा का और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो। इसके अलावा देसी भाषा में तेजस्वी और मिशा भारती पर निशाना साधकर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी ट्विटर पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इन सब के बीच लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के नेता भाषा की मर्यादा लांघकर बिहार में राजनीति का स्तर गिराने में लगे हैं? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या नेतागण बिहार की छवि खराब कर रहे हैं? इस पर जब नीतीश कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बात करके नेतागण बिहार की नहीं बल्कि अपनी छवि बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की छवि खराब होती है। देख कोई बिहार की छवि खराब नहीं होती, लोगों को अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। इस पूरे मामले पर जब हमने राजनीतिक प्रतिक्रिया ली तो बीजेपी ने जहां भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने की सलाह दी, वहीं आरजेडी और हम के नेता ये कहते नजर आए कि जो बात उनके नेता कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बात दूसरे नेता कहते हैं वो ठीक नहीं है। और ये जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया, यह तो गाली है, इसे तो गाली के रूप में लोग मानता है, गाली है, बहुत खराब गाली है, बहुत भद्दा गाली है। उसी ढंग से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की बच्ची जिन शब्दों का प्रयोग ट्विटर पर कर रही है वह तो गाली की श्रेणी में आता है। और आश्चर्य है कि एनडीए के नेता इस पर चुप हैं, खामोश हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जो शब्द कहीं से गाली नहीं था, लालू जी का शब्द, उस पर ये लोग हाय तो वाह मचाए हुए थे। और सीधे तौर पर जो गाली की श्रेणी में है, जिसको बहुत ही भद्दा गाली माना जाता है, उस पर इन लोगों की खामोशी इन लोगों के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। राजनीति में सभी को भाषाई मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हों, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, या वो सार्वजनिक जीवन में जहाँ भी रहें अपने भाषाई मर्यादा का हरदम ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो हमारे ही दल के कोई हों, किसी को भी सभ्यता का, समाज का और भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही मर्यादा है। देखिए निसंदेह राजनीति में आजकल जो शब्दों का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, और इसका प्रयोग कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। रही बात जीतन राम मांझी जी की जो बहू हैं दीपा मांझी जी, उनके शब्दों को लेकर के, चूंकि वो गांव से आती हैं, खेतिहर परिवार से आती हैं, तो गांव के शब्द को ही ज्यादा प्रयोग करती हैं। अगर उन्होंने किसी को लबर कहा या लबरी कहा तो ये आम तौर में बोलचाल की भाषा है। कोई अगर ज्यादा बोलता है तो उसको लबरी कहा जाता है, कोई अगर काम नहीं करता है तो उसको निकम्मा काहिल बोला जाता है। तो ये आम जो बोलचाल की भाषा है जिससे बिहार के गांव जवार के लोग चीजों को समझ पाए, उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावे कुछ लोग जाति देख करके अगर इस तरह की भाषा की टिप्पणी करती हैं तो वो निंदनीय है। और राजनीति में जो भाषाई स्तर गिराने की अगर बातचीत होती है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। भाषा की मर्यादा पर आपने अभी बिहार के नेताओं का दोहरा चरित्र देखा कि कैसे नेतागण अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गलत भाषा का तो बचाव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी को भाषाई मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सलाह तो अच्छी दी है, लेकिन देखना होगा कि सलाह को बिहार के नेता सुनते कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।